हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि फाइनली वनराज का घिनौना खेल आएगा अनुपमा के सामने। और जैसे ही इस खेल का पता चलेगा अनुपमा को, तो वो बुरी तरह से फुल स्टॉप लगाने वाली है, वो भी अपने फुल ऑन एटीट्यूड से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यहाँ पर जो कुछ भी सोचा है वनराज ने कि अब वो काव्या को डिवोर्स देकर अब पूरी तरह से फोकस करेगा अनुपमा पर, ताकि वो फिर से एक बार अनुपमा को हासिल कर सके और वापस ला सके अपनी ज़िंदगी में। तो इसके लिए वनराज शाह ने कर ली है एक बहुत बड़े षड्यंत्र रचने की तैयारी, जिसमें वो काव्या से बिना बात के झगड़ा करेंगे, छोटी छोटी बातों का इश्यू बनाएंगे। तो वहीं काव्या जो कि बहुत ही अच्छे से जानती है वनराज शाह के डर्टी माइंड को और उसके डर्टी गेम को, कि आखिर वो ये सब किस वजह से कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो अच्छे से जानती है इसके पीछे का असली मकसद को भी। काव्या सारे घर वालों के सामने वनराज की पोल भी खोल देगी और साथ ही साथ रोक टोक भी करेगी। अब दूसरी तरफ बात जो है, वो तो ऑल टाइम अपने बेटे वनराज के ही सपोर्ट में रहती हैं, तो उन्हें काव्या की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। बात जो है वो काव्या पे काफ़ी ज़्यादा भड़केगी और काव्या और वनराज के रिश्ते के भी खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बा भी एग्री करेंगी काव्या को डिवोर्स देने के लिए, क्योंकि बा भी यही चाहती हैं कि अब वो अनुपमा वापस से शाह हाउस आ जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और इसके लिए बा का होने वाला है फुल सपोर्ट वनराज के इन एफर्ट्स पर। तो वहीं वनराज उल्टा काव्या के कंधे पर बंदूक रख के डिवोर्स की वजह अनिरुद्ध को बताएगा, तो यहाँ पर काव्या जो है वो चुप नहीं बैठने वाली है। उसका गुस्सा वनराज पे फूटेगा और साथ में बा पर भी, और उसके बाद काव्या सीधे सीधे पहुँच जाएगी अनुपमा के पास, रोते बिलखते मदद की गुहार लगाते और उसके सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल देगी वनराज की चालों का। तो वहीं अनुपमा काव्या की कंडीशन को देखकर समझ जाएगी और वो अपनी दोस्ती निभाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ही समझ चुकी थी वनराज के बदले हुए बिहेवियर से और दोस्ती की आड़ में उसके मकसद को। बट वो पहले क्लियर नहीं थी, लेकिन अब जब काव्या ने सब कुछ अनुपमा को बता दिया है कि वनराज चाल चल रहा है तुम्हारे और अनुज के अगेंस्ट, तो अब अनुपमा वनराज से अलर्ट हो चुकी है और आग बबूला हो उठी है वनराज की हरकतों से। इसलिए अब अनुपमा शाह हाउस पहुंचकर मिस्टर शाह को उनकी औकात दिखाएगी और कहेगी कि आप अपनी चालों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे और ये सपना आपका कभी पूरा नहीं होगा। और अनुपमा साथ के साथ बा की भी क्लास लगा देगी। तो वहीं बा बेशर्मों की तरह अनुपमा से कहेंगी कि वनराज क्या गलत कर रहा है, तुम दोनों साथ रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस घर में खुशियां आ जाएंगी। वहीं अनुपमा वनराज और बा को मुंह तोड़ जवाब देगी और कहेगी कि अनुपमा सिर्फ और सिर्फ अनुज की है और हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुपमा वनराज से झूठी दोस्ती के रिश्ते को भी तोड़ देगी, जिसके बाद वनराज काव्या पर और भी ज़्यादा भड़क जाता है। और फाइनली अनुपमा के लात मारने के बाद वनराज और काव्या का डिवोर्स भी होते होते रुक जाता है। तो यही सारी चीज़ें होने वाली हैं सीरियल अनुपमा में। तो आप सब कितने एक्साइटेड हैं इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।